तो ये पत्तियों के रूपांतरण, पत्तियों के रूपांतरण में पहला क्या पढ़ा रहा हूं, प्रतान। क्या पढ़ा रहा हूं, प्रतान। कुछ पत्तियां प्रतान के रूप में बदल जाती हैं, जैसे हमने बताया मटर, जैसे मटर की पत्ती है, जंगली मटर की पत्ती है, तो ये पत्ती है, ऐसे पत्ती लगी है तने पर, ठीक है, ये तने पर पत्ती लगी है। जैसे ये तना है, इसमें पत्ती लगी है। अब ये पत्तियां क्या होगी, प्रतान के रूप में बदल जाती, पत्तियां प्रतान के रूप में बदल जाती। मटर में, जंगली मटर में क्या, पूरी पत्ती प्रतान के रूप में बदलती है, जंगली मटर में पूरी पत्ती प्रतान के रूप में बदल जाती है। पत्तियां हैं 1 2 3 ये पत्तियां हैं, लेकिन मटर में क्या है, मटर और जंगली मटर अंतर, मटर और जंगली मटर, तो जंगली मटर में पूरी पत्ती ये पत्तियां हैं। यहां पर ये कच्छस्थलिका भी पाई जाए, कच्छस्थलिका पाई जा सकती, ये अनुपण है। अभी हमने बताया था कि एक शाखा, स्तंभ की शाखा और एक संयुक्त पत्ती के पिच्छाक्ष में क्या अंतर होता है, ठीक है, हमने बताया था। तो ये पिच्छाक्ष है, ये क्या है, पूरा पिच्छाक्ष है, संयुक्त पत्ती है और ये पत्ती की शाखा है, तो इसमें पत्तियां प्रतानों में बदल गई। इसमें जंगली मटर में क्या है, नीचे की अनुपण छोड़ करके ऊपर के आगे के अनुपण ये प्रतान के रूप में बदल जाते, प्रतान के रूप में बदल जाते। ऐसे तुम्हारा ग्लोरी लिली, ग्लोरी लिली में पर्ण शीर्ष जो है प्रतान के रूप में बदल जाता है। ग्लोरी लिली जैसे होता है तो ये पत्ती होती है, तो पत्ती का पर्ण शीर्ष ये प्रतान के रूप में बदल गया ग्लोरी लिली में। ऐसे क्लेमेटस में क्या होता है, क्लेमेटस की पत्ती में पर्ण रंध्र जो है प्रतान के रूप में बदल जाता है। जैसे ये शाखा है, ये पत्ती, ये पर्ण रंध्र, इसका पत्ती की गोल गोल होती है, अब ये पर्ण रंध्र जो है प्रतान के रूप में बदल गया, ठीक है, ये किसमें होता है, क्लेमेटस में। अब चोब चींटी में क्या है, इसमें है इसे अनुपर्ण जो है प्रतान के रूप में बदल जाता है, चोब चींटी। तो चोब चींटी की पत्ती होती है, ये पत्ती है, इसमें अनुपर्ण जो है प्रतान के रूप में बदल जाता है, तो ये जो है पत्ती जो है प्रतान के रूप में बदल जाती है।